नमस्कार, मैं प्रकाश धौले, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल। जैसे कि हमने पिछले 24 घंटे के दौरान जो पूर्वानुमान दिया था, उसी के हिसाब से जो है प्रदेश के अनेक संभागों में, जैसे कि भोपाल हो गया, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर, शहडोल तथा सागर संभाग की कुछ जिलों में, कुछ तहसील में वहाँ पे वर्षा दर्ज की गई है। उसी के साथ ही जो है जिले के पूरे प्रदेश में जो है रतलाम, नौगांव और दतिया में जो है वो लू का असर रहा, जहाँ पे भी टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा और प्रदेश के अनेक जिलों में जो है टेम्परेचर 40 से 44 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही जो है आने आप सिस्टम पीछे सैटेलाइट पिक्चर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक पश्चिमी विक्षोभ ऊपर पाकिस्तान में बना हुआ है और एक नॉर्थ साउथ ट्रफ जो बना हुआ है हरियाणा में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है 1.5 किलोमीटर से अबव मीन सी लेवल। उस हरियाणा के साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक नॉर्थ साउथ ट्रफ जो है वो महाराष्ट्र तक जाता है मध्य प्रदेश से होते हुए। तो आने वाले 24 इस पर्टिकुलर सिस्टम के चलते जो है आने वाले 24 घंटे में जो है पूर्वी, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। आने वाले 24 घंटे में पूर्वी मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के जो पश्चिम मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन संभाग के कुछ जिले जो है वहाँ पे गरज चमक के साथ बौछारी गिरने की संभावना है तथा कहीं कहीं जो है तेज हवाएं भी चल सकती है तथा ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों के कुछ जिलों में भी जो है गरज चमक के साथ बौछारें तथा तेज हवाएं भी चल सकती है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने चेतावनी भी जारी की है। तो इस मीन्स हल्की वर्षा के साथ साथ मीन्स हीटवेव की भी चेतावनी जो है ग्वालियर चंबल संभाग के लिए हमने जारी की है। वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जो दिया है वो ग्वालियर, भिंड, दतिया तथा निवाड़ी जिले में जो है ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है तथा पूर्वी मध्य प्रदेश के मोस्ट ऑफ द जिलों में जो है गरज चमक के साथ येलो अलर्ट दिया हुआ है कि वहाँ पे गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है तथा तेज हवाएं भी चल सकती है। तो उसके साथ ही जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो है नीमच, मंदसौर, रतलाम, राज और धार जिले जो है वहाँ पे जो है हीट वेव की कंडीशन देखी जा सकती है। ये तो 21 तारीख का हो गया। उसके साथ जो है 22 तारीख का आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो थी वो थोड़ी वीक हो गई है। उसकी वजह से जो है साउथ मध्य प्रदेश के 4-5 जिले जो है वहाँ पे जैसे बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुना तथा बुरहानपुर और ऊपर में नीमच मंदसौर में वहाँ पे हल्की गरज चमक के साथ बौछारें गिरने की संभावना है तथा कहीं कहीं जो है तेज हवा भी चल सकती है। पर मोस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश में जो है गर्मी का दौर अभी शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही जो है हमने नीचे में चेतावनी भी दी है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा जो है ग्वालियर चंबल संभाग जो है नॉर्थ वेस्ट एमपी और नॉर्थ ईस्ट एमपी के जो है छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, कटनी, यहाँ पे जो है हीटवेव की जो है चेतावनी दी गई है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है 45 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। उसी के साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश के जो इंदौर और उज्जैन संभाग के कुछ जिले जो है वहाँ पे भी हीटवेव की संभावना रह सकती है। वैसे डे 3 में जो है आप देखेंगे कि ये 23 तारीख का जो है पूरा मध्य प्रदेश में जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन एकदम जीरो हो गया है। तो यहाँ पे रेनफॉल की संभावना एकदम है नहीं। तो नीचे में देख सकते हैं आप चेतावनी जो दी गई है वो हीट वेव के लिए दी गई है। तो जैसे कि आपने इसके पहले वाले दिन में देखा था वहाँ पे थोड़े कम थे जिले, अभी पूरे बढ़ गए हैं। तो पूरा नॉर्थ वेस्ट एमपी, नॉर्थ ईस्ट एमपी और पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो भाग है वहाँ पे जो हीट वेव की पूरी मीन्स 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहने की संभावना है। फिर 23 तारीख को आप देख सकते हैं ये जो हीट वेव की चेतावनी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी और इसमें जो है जिले जो है और ऑलमोस्ट मीन्स कंप्लीट जो है जिले मध्य प्रदेश के जो है जिले मोस्ट ऑफ द जिले जो है वो कवर हो जाएंगे। इसी के साथ जो है पांचवें दिन आप देख सकते हैं कि पूरा मध्य प्रदेश जो है गर्मी की चपेट में आ जाएगा और यहाँ पे जो है पूरा मध्य प्रदेश में जो है हीट वेव की कंडीशंस चल सकती है। तो तापमान जो है 45 डिग्री के आसपास पूरे मध्य प्रदेश में और कहीं कहीं 47 डिग्री भी जा सकता है। धन्यवाद।